पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ हत्या की घटना पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ममता सरकार को घेर रही है। इसके तहत ही राजधानी देहरादून के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने प्रेस वार्ता करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ हत्या की वारदात हो जाती है और ममता सरकार सोई हुई है और इस मामले को आत्महत्या से जोड़ना चाहती है। ममता सरकार के साथ ही उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में राहुल गांधी की जुबान से एक शब्द नहीं निकला और जिस तरह राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं, असल में उस संविधान का मतलब क्या है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट में तो ऐसा डरावना मेडिकल रिपोर्ट तो देश में बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद आप हिंदुस्तान का नॉर्थ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, साउथ हो, सारे लोग खड़े होंगे कि बच्ची डॉक्टर के साथ क्या हो रहा है। और ममता बनर्जी सरकार बोल रही है कि ये सुसाइड है, वो एंगल देना चाह रही है पहला। उसको देखते हुए जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो ये भी पता चला देश की ऑलरेडी जनता शॉक थी, हम लोग सब शॉक थे कि ये तो भाई सिर्फ एक रेप का केस नहीं, तो लगता है मास रेप का केस है। 1 साल की बच्ची की, वो तो इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। जब देश की जनता आपके तरफ पत्रकार पूछना शुरू की कि भाई राहुल जी कुछ तो बोलिए, तो बड़े मुश्किल से एक्स पे ट्वीट कर दिया उन्होंने। उनकी बहन प्रियंका जी जो बोलती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और पता नहीं कितनी कितनी बातें आप लोगों ने सुना होगा, एक वर्ड नहीं बोली आज तक, एक वर्ड नहीं बोला है। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? अखिलेश यादव एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं।